हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिशन के तरफ से निकला हुआ एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं बेसिक सैलरी 44,900 का आपको इन हैंड मिल जाएगा जिसके ऊपर आपके अदर अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब में मिलता है वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई भी डिसिप्लिन से या आप टेन प्लस टू पास आउट हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों तो अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जॉब बहुत ही बढ़िया है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया है अगर आपको ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो आप आई बटन पर प्रेस करके लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के प्लेलिस्ट को कम्पलीटली देख सकते हैं तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप नोटिस के सेक्शन में जाके ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन एन ऑन रेगुलर बेसिस तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं आपका जो क्रिटिकल डेट है एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए वो है फोर्टीन ऑफ अगस्त टू एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा वो आपका फिफ्टींथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से एक्टिव होगा और लास्ट डेट फोर्टीन ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का है जो आपका सी बी टी एग्जाम होना है वो ट्वेंटी एथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को टेंटेटिव डेट्स दिया गया है तो प्रिपेरेशन करने के लिए दोस्तों आपके पास थ्री मंथ्स का लगभग टाइम है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लेते हैं पहला पोस्ट सीनियर असिस्टेंट का है जो कि पे लेवल सेवन का है टोटल आठ पोस्ट यहाँ पे है ट्वेंटी सेवन ईयर्स लोअर एज लिमिट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट का है लेवल टू का है यहाँ पे टोटल थर्टी वैकेंसीज है एज लिमिट 27 सेवन ईयर्स का है इसमें अगर आप 10 प्लस टू पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इससे ज्यादा अगर आपके पास एजुकेशन है तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड इनका जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोफिशियंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो कि विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लैन आर्किटेक्चर जो कि सभी को जनरली पता होता है दोस्तों और अगर आपको कंप्यूटर प्रोफिशियंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों आई बटन पर प्रेस करके कंप्यूटर प्रोफिशियंसी प्लेलिस्ट को कम्प्लीट चेकआउट कर सकते हैं जो थर्ड पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट का ये लेवल फोर का है यहाँ पे टोटल चार पोस्ट हैं यहाँ पे भी आपका एज लिमिट ट्वेंटी सेवन ईयर्स का है लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री विथ मैथ्स और स्टैटिक्स आपको चाहिए डिग्री इन कॉमर्स और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास दोस्तों एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट में जो कि टोटल एट वैकेंसीज है अनरिजर्व में थ्री वैकेंसीज है ओबीसी में फोर है और एससी में एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट में टोटल थर्टी है जिसमें अनरिजर्व के लिए फाइव वैकेंसीज एससी में सिक्स वैकेंसीज एस के लिए थ्री और ओबीसी में सिक्सटीन वैकेंसीज है जूनियर अकाउंटेंट के लिए दो अनरिजर्व पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट है एस के लिए एक है और ओबीसी में एक वैकेंसी है अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो यहां पे दो स्टेज का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा पहला स्टेज में 200 हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि टोटल 200 हंड्रेड मार्क्स रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और यहाँ पे आपको तीन घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग आपका जीरो का रहेगा जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आपका टेन प्लस टू लेवल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा और सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर आएगा जो स्टेज टू होगा वो आपका कंप्यूटर नॉलेज या फिर स्किल टेस्ट होगा जो कि हंड्रेड मार्क्स का होगा यहाँ पर सेवेंटी फाइव मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप लोग चैनल पर विजिट करके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों और अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जस्ट फिफ्टी रुपीज़ का कोर्स है दोस्तों उसमें आपको पूरा डिटेल फंडामेंटल से समझाया गया है स्टेज टू के लिए फाइव कैंडिडेट्स

सेक्शंस है सभी सेक्शंस का देख सकते हैं हर एक सेक्शन में आपका फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग जीए, क्वांट और इंग्लिश टोटल टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर रहेगा टू हंड्रेड क्वेश्चन और वन एटी मिनट्स आपको मिलेंगे पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में तो फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों प्रिपेयर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए वहाँ पे आपका सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों को कंसीडर किया जाएगा और अगर आपके मार्क्स इक्वल आते हैं तो जो भी ओल्डर कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये जो मेरिट लिस्ट रहेगा वो आपका एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा या फिर नेक्स्ट सिलेक्शन जब होता है वहां तक वैलिड रहेगा एग्जामिनेशन फीस के बारे में ये लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए यूआर और ओबीसी के लिए 1500 प्लस 18 परसेंट जीएसटी रहेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एग्जामिनेशन फीस थोड़ा ज्यादा है दोस्तों यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए पोस्ट बहुत ही अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है फीस ज्यादा है तो कम्पिटिशन कम होने का भी चांस है दोस्तों तो कौन यहाँ पे एलिजिबल हो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए और अगर हाँ हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस में आपके लिए रोज लेके आता रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत